हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन टू टाइम की एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाना। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लाइक वाला बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं जोड़ और घटाना। और जोड़ और घटाव को हमेशा से राइट साइड से करना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर 1314 में 4262 को प्लस यानी कि जोड़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला अंक है 4 और 2। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 के लिए 4 लाइन पढ़नी है और 2 के लिए 2 लाइन पढ़ना है। और ये सिंपल और आसान ट्रिक है। तो दोस्तों, चलिए हम 4 के लिए 4 लाइन पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 2। तो चलिए हम इसके लिए 2 लाइन पढ़ लेते हैं। 1 2। अब दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, इन सारे लाइनों को गिनना है। आप मेरे साथ इन सारे लाइनों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 6। तो हम यहाँ पर 6 को लिख दे रहे हैं। उसके बाद है 1 और 6। तो दोस्तों, हम इसी तरीके से 1 के लिए 1 लाइन पढ़ेंगे, 1। और यहाँ पर है 6, तो हम 6 के लिए 6 लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद इन सारे लाइनों को गिन लेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए, पहले हम इन सारे लाइनों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, 1 6 को जोड़ने पर क्या आया, 7। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपने 6 उंगलियाँ निकाल ली होती और 1 उंगलियाँ और बढ़ा ली होती तो क्या हो जाता, 7। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर उंगलियों की जगह लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 7 को यानी कि 7 को लिख देंगे। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद क्या है, 3 और 2। तो 3 के लिए उसी तरीके से हम 3 लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3। उसके नीचे है 2, तो इसके लिए हम 2 लाइन पढ़ेंगे, 1 2। अब दोस्तों, हमें इन सारी लाइनों को गिनना है, तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों, उसी तरीके से 3 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 5। अब दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में आ गया 1 और 4 को जोड़ना। तो उसी तरीके से हम 1 के लिए 1 लाइन पढ़ेंगे, 1। और 4 के लिए 4 लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों, हमें इन सारी लाइनों को गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5। दोस्तों, 1 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, 5। तो हम यहाँ पर 5 को लिख देंगे। और दोस्तों, देखते ही देखते हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम घटाव को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, जोड़ में संख्याओं को जोड़ा जाता है और घटाव में संख्याओं को घटाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 में से 1 को घटाना है। तो सबसे पहले उसी तरीके से हम 2 के लिए 2 लाइन पढ़ेंगे, 1 2। दोस्तों, और नीचे में है 1, तो हमें क्या करना है, 2 लाइनों में से 1 लाइनों को कट कर लेना है, 1। अब दोस्तों, जो भी हमारा शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिन लेते हैं, 1। तो दोस्तों, 2 में से 1 को घटाने पर क्या आया, 1। तो हम यहाँ पर 1 को लिख दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, क्या है, 2 के बाद 9 यानी कि 9। तो हम 9 के लिए 9 लाइन पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 8। तो हमें क्या करना है, इन 9 लाइनों में से 8 लाइनों को कट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, हमने 9 लाइनों में से 8 लाइनों को कट कर लिया। अब चलिए हम उन सारे लाइनों को गिनते हैं जो 9 में से शेष बचा है, 1। तो दोस्तों, 9 में से 8 को घटाने पर क्या आया, 1। तो हम यहाँ पर 1 को लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, 5 और 3 यानी कि 5 और 3। तो चलिए, हम 5 के लिए 5 लाइन पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। और नीचे में है 3 यानी कि 3। चलिए, हम 5 में से 3 लाइनों को कट कर लेते हैं, 1 2 3। तो दोस्तों, 5 में से हमने 3 लाइनों को कट कर लिया। अब चलिए, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिनते हैं, 1 2। तो दोस्तों, 5 में से 3 को घटाने पर क्या आया, 2। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 2 को लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, 8 और 5। तो 8 के लिए हम 8 लाइन पढ़ेंगे वैसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे में है 5, तो हम 8 लाइनों में से 5 लाइनों को कट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों, हमने 8 में से 5 लाइनों को कट कर लिया। अब जो भी शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिनते हैं, 1 2 3।
तो दोस्तों आठवें से पांचवें घटाने पर क्या आया? तीन। तो हम यहाँ पर तीन को लिखते रहे। दोस्तों देखते ही देखते हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।